लिपि कम्युनिकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वेजिटेबल दलिया का सूप लाई हूँ। इस रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए, सूप तो हर किसी को पसंद आती है, इसलिए मैं घर में कैसे इजी तरीके से हम सूप बनाया जाए आइए देखते हैं। सूप के लिए मैं ये सब इंग्रेडिएंट्स लिए हूँ, अदरक, लहसुन, गाजर, हरी मिर्च, कैप्सिकम, ग्रीन मटर, टमाटो, बीन्स, देसी घी भी लिया है, दलिया इसको मैं भिगा दी थी। इसको हम प्रेशर कुकर में अभी बॉयल करेंगे, एक ही सीटी देंगे, थोड़ा सा नमक देके हम उसको बॉयल करेंगे। आइए, मैं कढ़ाई ली है, उसमें एक टेबलस्पून ऑयल दिया है, आप ऑयल के बदले बटर भी ले सकते हैं। फिर हम हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा गर्म होने के बाद हम उसमें अदरक, लहसुन और सारे सब्जियों को ऐड कर देंगे, हरी मिर्च, कैप्सिकम, बीन्स, जितने भी सब्जी है सभी का दे के फिर ग्रीन मटर देंगे। ग्रीन मटर का टुकड़ा बीच में टुकड़े टुकड़े किए हैं, टुकड़े करने से खाने में मुंह में आएगा तो उसका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद हम थोड़ा नमक देंगे, नमक तो हम पहले भी दे चुके हैं दलिया में, अभी सब्जी में थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार देंगे। फिर चिल्ली पाउडर देके हम थोड़ी देर भुनेंगे उसको। फिर मसाला में हम लिया है मैगी मसाला और चाट मसाला, ये दोनों मसाला ही हम लिए हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं। और टमाटो, टमाटर को ऐसे चॉप करके काटा है कि उसको और थोड़ी देर बाद हम भुनेंगे। उसके बाद जो दलिया को बॉयल किए थे उसको दे देंगे। अभी बॉयल किया हुआ दलिया को हम सब्जियों में डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है। बहुत बढ़िया पक गई है दलिया। अभी थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा देना है क्योंकि हम सूप बना रहे हैं दलिया को। जितना ज़्यादा चाहे पानी दे सकते हैं। मेरे जैसा ही आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये सूप रेस्टोरेंट के तरह। देखिए, मैं तो पहले भी सूप की रेसिपी लाई हूँ, मैं आई बटन में आप लोगों को दे दूँगी, आप उसी में देख लीजिए। ये सूप को थोड़ा डिफरेंट वे में मैं बनाया हूँ, देखिए कितने सुंदर दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। अभी थोड़ा हम चिल्ली सॉस ऐड करेंगे और टमाटो सॉस ऐड कर देंगे, वो दोनों सॉस बहुत टेस्ट लगेगा उसमें। देखिए उसमें से कलर भी निखर आ चुका है।
अभी थोड़ा धनिया पत्ते के साथ हम गार्निश करेंगे ये सूप। और देखिए थोड़ा देसी घी में ऐड कर दूंगी, उसमें देसी घी बहुत फ्लेवर लाता है। और ब्लैक पेपर तो ज़रूर डालिए, ब्लैक पेपर उसमें बहुत टेस्ट लाता है। काली मिर्च जो बोलते हैं ब्लैक पेपर। आइए हमारा सूप कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और आप लोग भी ट्राई कीजिए।